हाँ तो अभी एक महीने के बाद में इलेक्शन होना है, तो दोबारा से क्या मन बना रहे हैं? बेसिकली लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, और ताकि उनके जो काम है जरूरतमंद उनको साथ लेकर चलें। और वो एक ऐसा है कि राजनीतिक क्रम में जो एक सरपंच का पद होता है वो मुख्य होता है, क्योंकि हर छोटे से बड़े आदमी का उसमें जो भी सहायता होती है काम होते हैं, बगैर उसके भी काम होते हैं, लेकिन यह एक चैनल है, इस चैनल के थ्रू अगर जाया जाए तो ज़्यादातर लोगों की सहायता होती है। बेसिकली हमारा जो खोरी कला काम है वो गरीबों का मजदूरों का है। अभी हमने 150 के आसपास पिछले प्लान में प्लॉटें दिलाई हैं, और 27 के आसपास हमने जो IAY के PMY के जो मकान थे उनका निर्माण कराया था। अच्छा, इस प्लान में अभी तक किसी को भी ना तो मकान का एक भी पैसा मिला है। जो जैसे हमने छोड़ा था वो काम एजिटेज रुका हुआ है, बहुत सी गलियाँ कच्ची हैं, बहुत हुई है, उनको दोबारा से लोगों की डिमांड है, लोगों की मांग है कि सरपंच साहब आप आइए और हम आपके साथ हैं और आप हमारा विकास करा सकते हैं। मैं कहा ठीक है, हम गाँव वालों के साथ में हैं, ये तो सरपंच ही अगर ना भी रहेंगे जब भी हम आपको विकास कराएंगे। देखिए, इसे भावना कहते हैं, ये इंटरनल भावना से एक बात कही जा रही है। समाज की एक सोशल एक्टिव वर्कर होने के नाते इन्होंने अपनी बात रखी है, अख्तर अली भाई ने, कि दोबारा से यदि जनता जनार्दन है, बस्ती माता होती है, गाम राम होता है, यदि वो चाहेंगे मुझे मौका देंगे तो मैं उनकी सेवा के लिए तैयार हूँ। यदि मैं सरपंच बने रहा तो भी उनकी सेवा के लिए, जो भी मेरे लायक कोई सेवा उसके लिए तैयार हूँ। सरपंच साहब, सबसे पहले आप, अभी मेरा एक अंतिम क्वेश्चन है जी। एक सरपंच होने से पहले, एक पिता होने से पहले, एक भाई होने से पहले, आप एक किसान हैं, किसान के बेटे हैं जी, और पिछले 2 महीने से किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है पूरे हरियाणा में, सारे बोर्ड लगभग सील हो रहे हैं। भारत सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, भारत सरकार से अपील ये चाहते हैं कि भारत सरकार और किसान दोनों का मिलकर बैठ के ही समाधान हो सकता है। ऐसा नहीं कि एक किसान अलग रहे और भारत सरकार अलग रहे। भारत सरकार की भी पहल है कि वो भी किसानों से मिलना चाह रही है, बातचीत करना चाह रही है जी। अब देखो, किसान किस टाइप से कैसे मिलना चाहते हैं, जो भी समस्या समाधान होता है वो बैठ के आपस में ही समाधान हो सकता है, दूर दूर से नहीं हो सकता। और उम्मीद है कि जल्दी ही भारत सरकार इस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश कर रही है। दूसरा, अख्तर भाई, आप मेवात से बिलोंग करते हैं, तो कुछ दिन पहले कुछ एक चैनल्स में, मैं नाम नहीं लूँगा जी, हिंदू मेव एकता भाईचारा खराब करने की कुछ एक डिबेट चली थी जी, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे चैनल के लिए? देखिए, हम आपके भी न्यूज़ चैनल की वजह से आपके बारे में बता रहे हैं कि जो चैनल पर न्यूज़ चली थी, डिबेट चला था, वो हमारी जो मेवात है, मेवात का भाईचारा है, उसको तोड़ने की नीयत थी। कुछ लोगों की होती है, अमूमन देखा जाए तो हमारे भारतवर्ष में एक मेवात एक ऐसा है जहाँ पर भाईचारा सबसे ज़्यादा है, कहीं भी ऐसी कोई घटना नहीं है, और जहाँ पर कोई छोटी मोटी बातचीत हो जाती है तो उसको प्यार मोहब्बत में बैठ कर सुलझा दिया जाता है। हमारा ये मेवात एक ऐसी फेमस चीज़ है जो एक गांधी जी का नाम से घासेड़ा में, क्योंकि गांधी जी, महात्मा गांधी के आह्वान पर भी हमारे मेवात के वासी वहाँ रुक चुके हैं। सच्चाई है इस बात की, और आज भी उसी परंपरा के बिहार पर हमारे मेवात माना जा रहा है, हर फैसले को उसी चीज़ के मद्देनज़र देखते हुए फैसला लिया जा रहा है। ये एक प्रोपोगंडा था जिसकी सच्चाई आपको ही पता है, देशवासियों को पता चल चुकी है। तो BPN न्यूज़ चैनल पर जुड़ने के लिए अख्तर अली जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे भाई अख्तर अली जी, आपने सुना खोरीकला गांव से, और भावी सरपंच के उम्मीदवार है, और जनता का विश्वास भी इन्होंने जीत रखा है क्योंकि कार्य करते हैं। अगर ये सरपंच ना रहे तो भी वो सरपंच की पावर इतनी रखते हैं कि शासन से प्रशासन से कहकर के काम करवा सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए BPN न्यूज़, बढ़ते कदम सच्चाई के कदम, क्योंकि देश का सच दिखाते हम। प्रेम कर बहुत हरियाणा।